हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस के बारे में जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड नेक्स्ट मंथ जो है आपका एग्ज़ाम है सो लास्ट ईयर भी मैंने बीएड एंट्रेंस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी स्पेशली आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो वीडियोज़ बनाई थी एंड आप देख सकते हो चैनल पर हिमाचल जी की ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई है एंड uh, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी लास्ट ईयर की वीडियोज़ पड़ी हैं चैनल पर साथ में ही जो है आपके कमेटी एजुकेशन कमिटीज़ पे भी मैंने वीडियोस बनाई थी तो आप उसको एक बार देख सकते हैं मैं यही है रिक्वेस्ट करूँगी पहले आप उन वीडियोस को देखें एंड फिर आप इन वीडियोस पे आए टीचिंग एप्टीट्यूड जो एक सेक्शन रहता है फोर्टी मार्क्स का जो आपका सेक्शन रहता है काफ़ी स्कोरिंग है बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ ये कन्फ्यूजन ताकि लास्ट में ना आए टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेक्शन है वो साइकोलॉजी बेस्ड सेक्शन है एंड इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके आंसर्स जो है बेसिकली आंसर्स जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन तो आप देख सकते हो आज की वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जो जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन वाले आज के वीडियो में मैंने वही आंसर्स लिए हैं जो करेक्ट है जो मतलब यही इनके आंसर्स रहने वाले हैं बट आप कहीं क्वेश्चंस ऐसे देखोगे जिसमें हम कुछ और सोचते हैं उसका आंसर क्योंकि हमारे लिए हमारे एथिक्स के हिसाब से वो आंसर करेक्ट रहता है बट एग्जामिनर उसके अलावा ही कुछ और जो है वो करेक्ट आंसर या आप गूगल पे सर्च करते हैं उसका आंसर कुछ और ही आता है सो so, ये जो व्यू पॉइंट वेरी करता है साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस में एंड आप किसी को भी इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये आंसर गलत है या ये आंसर सही है क्योंकि लास्ट टाइम भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरी वीडियो से आए थे उसमें से भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने वीडियो में आंसर्स कुछ और बताए थे एंड फाइनल जो फाइनल आंसर की मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम मैंने कुछ और बोला क्योंकि हमारा माइंड सेट क्या है चेंज होता रहता है एंड उसके हिसाब से हम आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये करेक्ट आंसर रहेगा या ये करेक्ट आंसर रहेगा तो जब मैंने लास्ट uh, में चेक किया था जब एग्जामिनेशन के टाइम पर मैंने जो uh, जो क्वेश्चन थे वो चेक किए थे वो गूगल से चेक करके तो मतलब कन्फर्म करके डाले थे वहाँ पर एंड और आई वॉज़ फॉलोइंग अ बुक जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही थी वो एक बुक के थ्रू करवा रही थी तो उसके आंसर्स मैं चेक करके वहाँ से आप लोगों को बताती थी क्योंकि मुझे रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी थी तो फिर बाद में ये uh, कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे वहाँ पर कि मैम आपने ये बताया था वीडियो में आप ये बोल रहे हो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा साइकोलॉजी एक डिफरेंट uh, पर्सपेक्टिव uh, है सबका डिफरेंट नोशंस uh, रहते हैं इस इन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के टू वर्ड्स मैक्सिमम रहेंगे सेम आंसर्स एक दो आंसर्स वेरी कर सकते हैं सो आई डोंट वॉन्ट कि लास्ट टाइम की तरह आप लोग ऑफेंडेड फील करो uh, या फिर आप लोग कुछ भी ऐसे कमेंट करो तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लें जब भी मैं आंसर्स आपको करवा रही हूँ एक बार अगर आपको डाउट लगता है उस आंसर में तो आप उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू एंड जो आपको राइट right आंसर लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं सो एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस पड़ी हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हो बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आई हैं एक दो क्वेश्चंस में रह जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्योंकि ये साइकोलॉजी बेस्ड है वो मैं पहले ही फर्स्ट वीडियो से ही क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ सो so, दैट्स ऑल सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था बताना इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया नेक्स्ट है विच वन सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है आपकी टीचिंग में सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट नॉलेज टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपका रिलेशनशिप टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का क्योंकि जितना अच्छा रिलेशन स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में होगा उतना सी ऑब्वियस सी बात होती है अगर आप किसी टीचर uh, को एडमायर करते हो अगर आप किसी टीचर को पसंद करते हो उसका नेचर आपको पसंद है तो आप उसकी क्लास में इंटरेस्ट लेने की भी कोशिश करते हो एंड आज से हम यहाँ पर बी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी अगर आई डोंट नो बहुत से लोग टीचिंग जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो पैशन के लिए आ रहे होंगे कुछ लोग सिर्फ कुछ नहीं बचता है इसलिए आ रहे होंगे बट आपका जो भी थीम है जो भी मोटिव है इस प्रोफेशन में आने का आपको बट आज से क्या करना है एज अ टीचर सोचना है हर सिचुएशन में एज अ टीचर सोचना है तो इसमें जो है आपको क्या करना है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है क्लास में जब भी आप जाते हो फर्स्ट क्लास में आप क्या करते हो इंट्रोडक्शन करते हो क्यों क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप फॉर्म uh, करना होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में सो so, ये चीज़ आपने देखना है अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा है तो क्या होगा तो बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाएगा क्योंकि ये रिलेशनशिप फॉर्म करने में ही बहुत टाइम लगता है अगर बच्चे आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो आप उनको लर्निंग बहुत अच्छे से करवा सकते हो सो डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ़ पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स तो मेन पर्पज क्या है पनिशमेंट का स्टूडेंट्स के लिए सो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में हैं बेशक बट मैं समझा हिंदी में ही रही हूँ तो पनिशमेंट आप सबको पता है जो टीचर्स देते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है टीचर्स का उसके बिहाइंड रिफॉर्म दफेंडर डेमस्ट्रेट अथॉरिटी प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम डूइंग द सेम रिटेलिएट फॉर द रोंग दैट हैज़ बीन डन सीत सो द मेन फोकस हमारा क्या रहता है जब भी हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो ये रहता है कि बच्चा पनिशमेंट के डर से क्या ना करे वो चीज़ फिर से ना करे तो ऑफेंडर का जो जिसने ऑफेंडर क्या होता है जिसने मॉरल लॉज या हम बोल सकते हैं कोई भी क्रिमिनल हो या रिलीजियस ऑफेंडर जो वर्ड है वो यहाँ पर Uh, मैं आपको नॉर्मल मीनिंग समझा रही हूँ कि जिसने कोई लॉ तोड़ा हो मॉरल हो रिलीजियस हो कोई भी लॉ तोड़ा हो जिसने उसको फेंडर बोलते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फेंडर क्यों बोला गया स्टूडेंट को फेंडर क्योंकि उसने स्कूल रूल्स तोड़े होंगे या जो क्लासरूम रूल्स तोड़े होंगे तो उसको हमने रिफॉर्म uh, करना है तो उसको हमने चेंज करना है उसके अंदर एक चेंज uh, लाना है तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ए रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द क्लास तो जो क्या बेस्ट वे रहता है एक टीचर का कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्लास की आस्क फॉर टीचर्स ओपिनियन किसी और टीचर की ओपिनियन लेके डिपेंड्स ऑन वंस ओन ओपिनियन मतलब अपने ही ओपिनियन पे जो है वो वहीं पर स्ट्रिक्ट रहना है मतलब स्टिक रहना है कि मैंने जो ये ओपिनियन बना लिया है एंड इसी तरह से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी नेक्स्ट है यूज़ द व्यू दैट प्रिंसिपल गिव्स तो अगर आप प्रिंसिपल को अप्रोच करते हो और वो जो व्यू देते हैं आप उसको फॉलो करना चाहते हो या थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाई द चिल्ड्रेन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस या आप यही चीज़ क्या करोगे क्लास में डिस्कस करोगे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करोगे और उनको उनके जो सजेशंस है उनके जो व्यू पॉइंट्स है आप उनको लेते हो और उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है कि या नो दिस इज़ द बेस्ट वन ये वाला एक अच्छा मुझे सजेशन दिया गया है आप उसको फॉलो करोगे क्योंकि क्या है प्रॉब्लम किसके बीच में टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट ही अगर आपको सोल्यूशन देंगे तो वो क्योंकि वो खुद सोल्यूशंस दे रहे हैं तो उस पर वर्क भी करेंगे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है क्लास की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी सो डी इज़ दी करेक्ट आंसर अगर आप किसी और टीचर के ओपिनियन ले तो टीचर का ओपिनियन वेरी करता है क्योंकि मे बी उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो उस पर्टिकुलर क्लास में एक्सपीरियंस ना की हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आप उसी क्लास के बच्चों से पूछिए कि आपको या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कस कीजिए एंड वो आपको कोई सजेशन देंगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चों की साइड से आया एक तो वो फोर्सफुल नहीं होगा कोई ऐसा नहीं है कि कोई उन पर थोप रहा है कुछ भी उनकी साइड से ही सजेशन आया आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज वाई इज़ द वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी टीचर ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है <coughs> आप लोग एंट्रेंस दे रहे हो क्यों दे रहे हो और उसके बाद आप जैसे आप ऑब्वियसली आप टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन लेने के लिए बीएड में एडमिशन लेने के लिए क्या कर रहे हो एंट्रेंस दे रहे हो पर ये ज़रूरी क्यों है क्योंकि ये क्या है अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है इसलिए अपग्रेड नॉलेज ऑफ द कंटेंट आप कंटेंट की जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं इंक्रीज टीचिंग स्किल्स ऑल ऑफ दी अपव सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा सी मेन चीज़ जो है आपकी टीचर ट्रेनिंग में आपको मैं अभी एक ब्रीफ़ आइडिया दूँ तो आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी होती है जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है आपके इस टीचर ट्रेनिंग का चाइल्ड साइकोलॉजी से आप ये समझते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी किस एज पे क्या रहती है एंड आपको बच्चों के साथ कैसे डील करना है वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताता है बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सब कुछ बताता है चाइल्ड साइकोलॉजी आपको वो चीज़ पढ़ने से आप क्या कर सकते हो अपनी टीचिंग को अपने बिहेवियर को टूवर्ड्स स्टूडेंट्स उनकी साइकोलॉजी समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड दूसरी चीज़ जो आपके टीचिंग ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इंटर्नशिप जब भी आप स्कूल्स में जाती हैं सी आप एक मंथ सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं एंड तीन मंथ्स थ्री टू फोर मंथ्स आप जो इंटर्नशिप के लिए जो आप रेगुलर जाते हैं स्कूल्स में वो जाते हैं मतलब इन ऑल हम बोल सकते हैं थ्री टू फोर मंथ्स जो है आप स्कूल्स में रहते हैं फर्स्ट मंथ में आप सिर्फ वहाँ जाके उनकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं वहाँ की रिपोर्ट बनाते हैं स्कूल की रिपोर्ट बनाते हैं आप एंड जो नेक्स्ट रहते हैं आपके थ्री मंथ्स उसमें आप वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक बेटर टीचर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तो इन चीज़ों को ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ओवरऑल टीचर ट्रेनिंग जो है वो आपको क्या करती है स्कूल के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझाती हैं कि कैसे एक स्कूल वर्क करता है अपने कंटेंट को अपग्रेड करवाती है आपकी कंटेंट को अपग्रेड करवाती है टीचिंग स्किल्स इन्हेंस करवाती है क्योंकि जिस भी स्कूल में आप जाते हैं वहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट्स बनाने होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी होती है जिससे आप बच्चों की अटेंशन अपनी टूवर्ड्स ले सकते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं सो डी विल बी द करेक्ट आंसर सॉरी नेक्स्ट सॉरी फॉर माई थ्रोट नेक्स्ट है आपका अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल सो इसमें आपका जो क्वेश्चन है अगर आपकी क्लास में बच्चा जो है वो लेट आ रहा है तो आप क्या करोगे उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे पनिश करोगे उसको ट्राई टू नो द रीज़न आप रीज़न जानने की कोशिश करोगे नॉट पे अटेंशन देयर कि ठीक है लेट आ रहा है नो प्रॉब्लम आ जाओ बैठ जाओ तो आप क्या करोगे वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है ऐसी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी टाइम पहले एक ही ये वीडियो वायरल हुई थी जिसमें स्टूडेंट जो है रोज़ लेट आता था क्लास में एंड जैसे वो लेट आता था क्लास में उसके टीचर उसको, उसको रोज़ पनिश करता था उसके स्केल से मारता था एंड आफ्टर सम टाइम्स मतलब कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम मे बी मंथ और टू तो मंथ लेटर जो स्टूडेंट फिर से ऑब्वियसली वो रोज़ ही लेट रहा था तो टीचर जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है जब वो जानने की कोशिश करता है आफ्टर टू मंथ्स या आफ़्टर अ लॉन्ग गैप हम बोल सकते हैं तो वो उसको ये चीज़ पता लगती है कि बच्चे के घर पे कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो पहले काम करने जाता था फिर वो स्कूल आता था तो उस, उस वे में मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये जो आपको क्या करना है जब भी आपकी क्लास में या इसका जो बेस्ट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा सी सी आपको क्या करना है इन क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बेस्ट आंसर्स ढूंढना है बेस्ट ऑफ द फोर जो ऑप्शन है आपको उससे सबसे बेस्ट आंसर ढूँढना है एंड वो आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एक टीचर के अप्रोच अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए जितनी पॉजिटिव आपके आंसर्स रहेंगे जितनी अप्रोच आपकी पॉजिटिव रहेगी मतलब आपको पनिशमेंट ये सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना है ठीक है आपको हमेशा पॉजिटिव 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 रहना है इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको लास्ट ईयर की वीडियोस भी देख लेना क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के <clears throat> सो सी विल बी द करेक्ट आंसर टीचर को क्या करना है फर्स्ट डे लेट होना है तो फर्स्ट डे ही उससे पूछ लेना है कि आप लेट क्यों हुए हो मे बी कुछ उसकी जेन्यून प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है बट अगर आप पूछोगे नहीं तो वो बताएगा नहीं मे बी हर बच्चा ये नहीं होता है एक्सप्रेसिव होता है ठीक है एंड जब आप ऐसा करते हो तो आप उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेते हो एक अच्छी रेपो बना लेते हो ओके okay, और टीचर और स्टूडेंट की रेपो पे भी लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लेना एक बार नेक्स्ट है यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स व्हिच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इंप्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम सो एक मिक्स क्लास है मतलब आपके हम बोल सकते कोएड स्कूल हैं या कोएड क्लास हैं जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं तो आप कौन सा मेथड इंप, मतलब मेथड अडॉप्ट करोगे जिससे कॉपरेशन बढ़े बच्चों के बीच में मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में सो so, फर्स्ट है टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसनस की आप इक्वालिटी पे बात करते रहो लेसन आपकी जो होते हैं वो डिलीवर करते रहिए आस्क पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी आप पेरेंट्स को बोलिए कि आप घर में भी ये सिखाइए कि इक्वल होते, होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल होते हैं नेक्स्ट है मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच आप दोनों बॉयज़ या मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो है साथ में बिठाइए या टास्क सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर कि आप कोई ऐसा टास्क दीजिए जिसमें ऐसा uh, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वो साथ में काम कर रहे हैं उससे क्या होगा उनके अंदर कॉपरेशन भी पड़ेगा सो डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि बातें कर कर के बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि इक्वल है बट जब गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में परफॉर्म करेंगे एंड इक्वल स्टेज पर रहेंगे हम खुद उनको इक्वल स्टेज पर रखेंगे तो उनके अंदर भी वो चीज़ इनकलकेट हो जाएगी सो डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द बेस्ट वे बाय अ टीचर टू इंट्रोड्यूस न्यू सब्जेक्ट बाय सी तो बेस्ट वे क्या रहेगा एक टीचर का कि उसको न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है आपने देखा है बच्चा अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो बच्चा फिफ्थ तक ईवीएस पढ़ता है एंड सिक्स में आके उसके पास साइंस आ जाता है एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको तो ईवीएस के बाद उनको साइंस के बारे में दो ईवीएस इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस ओनली कि उसको वैसे ही पढ़ाया जाता है बट एक बच्चे के दिमाग में एक चीज़ अलग हो जाती है कि मैं अभी तक ईवीएस पढ़ रहा था मेरे पास एक नया सब्जेक्ट आ गया है साइंस आ गया ठीक है तो आप सपोज़ ये ही एग्जाम्पल लीजिए तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो सब्जेक्ट रिलेटिंग इट टू डेली लाइफ सिचुएशंस गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट पहला ऑप्शन है कि आप रिलेट करोगे जो आपकी डेली लाइफ के अराउंड है साइंस जैसे भी सपोज़ में साइंस की बात हूँ तो आप उसको रिलेट करोगे ठीक है दूसरा है आप उसको एक आउटलाइन दे कि आपने ये सारी चीज़ें आपने इस सब्जेक्ट में पढ़नी हैं या आप उसको रिलेट करेंगे टू द प्रीवियस प्रीवियसली स्टडेड सब्जेक्ट और कोर्स मटीरियल जो उसने पहले पढ़ा है उसके साथ आप रिलेट करेंगे सो एनी ऑफ दीज सो so, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एनी ऑफ दीज क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो आप क्या कर रहे हो उसको इंट्रोड्यूस uh, कर रहे हो एक नए सब्जेक्ट से पहले आप उसको जैसे आप साइंस की बात करो तो आप साइंस के बारे में उसको बता सकते हो साइंस में आप क्या पढ़ते हो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो आप एयर um, के बारे में पढ़ते हो आप हर चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो ठीक है आप पहले उसको क्या कर रहे हो जो डेली लाइफ में उसके साथ चीज़ें हो रही है आप उसके साथ उस सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हो दूसरा क्या कर रहे हो आप उसको ब्रॉड ब्रॉड आउटलाइन दे रहे हो कि हम इस इस चीज़ में ये ये चीज़ें पढ़ेंगे उससे क्या होगा बच्चे का इंटरेस्ट भी टूवर्ड दी सब्जेक्ट डिवेलप होगा एंड उसको लगेगा ईजी है और उसके बाद आप उसको ये बता सकते हो कि आपनेपोज़ आपने सपोज आपने फिफ्थ में आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा था लाइक कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो ईवेस बुक आप देख सकते हो उनके एंड वहाँ से आप देख सकते हो साइंस का ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था एंड यही टॉपिक आपका सिक्सथ में भी तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि साइंस देखो आपने पहले भी पढ़ी थी बस मेन चेंज हुए हैं सब्जेक्ट वही है अब थोड़ा सा मॉडिफिक मॉडिफाई करके आपको ये पढ़ाया जा रहा है सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हर नेक्स्ट है वन ऑफ योर स्टूडेंट इज टू पोअर टू बाई ए बुक हाउ विल यू हेल्प मैम एक स्टूडेंट है आपका जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो बुक नहीं ले सकता तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे यू विल परचेज़ द बुक आप परचेस कर लेंगे बुक उसके लिए यू विल प्रोवाइड द बुक फ्राम द लाइब्रेरी आप उसको लाइब्रेरी से अरेंज करके देंगे बुक्स यू विल रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक अ पॉलिसी फॉर हेल्पिंग सच स्टूडेंट्स अगर आप ये सब कुछ करते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन uh, के पास जाओगे पॉलिसी बनवाओगे बच्चों को हेल्प करने के लिए तो आपको पता है ये सारी चीज़ें कितना लॉन्ग टाइम लेती है एंड फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके व्यू पॉइंट से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अग्री करे वो ये भी बोल सकते हैं कि आपको चैरिटी करनी है आप खुद कर सकते हो हम वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग सो ये चीज़ टोटली uh, रॉन्ग totally हो जाएगी यू विल कलेक्ट फंड फॉर अदर फ्राम अदर फॉर दिस पर्पज सिमिलरली अगर आप ये चीज़ यही वाला जो रहेगा कि आपको चैरिटी करनी है आप कर सकते हो तो सब लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हो बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि आप उसको लाइब्रेरी से बुक प्रोवाइड कर सकते हो इस वे में आपका भी मतलब uh, कुछ प्रॉब्लम uh, नहीं होगी आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे की भी जो सल्यूशन है वो Uh, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिल जाएगा सो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज़ पॉसिबल थ्रू तो कैसे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स की हो सकती है सी मेन मोटिव यही है आपको पहले तो आपको ये याद रखना है कि अब की जो क्लासरूम होती हैं वो कैसी होती हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए ठीक है चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे के अराउंड ही घूमना चाहिए उसमें टीचर को सिर्फ एक आ, हम बोल सकते हैं गाइडर जैसे एक गाइडेंस देने वाला होना चाहिए वहाँ पर वो कोई लाइक ऑर्डर्स like, या जो चीज़ें हैं वो हुई जैसे पहले की क्लासरूम थी टीचर सेंटर थी टीचर ही बोलता था टीचर ही बोलता था बट अब ऐसा नहीं होता है अब बच्चों से उनके ओपिनियंस पूछे जाते हैं उनके ओपिनियंस से ही टीचर पढ़ाता है उन लोगों को ठीक है तो कैसे लेक्चर मेथड जो मैंने आपको बोला टीचर सेंट्रिक मेथड जो है बुक मेथड कि टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है वो वो वाला मेथड आप फॉलो करोगे इंडक्टिव मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब आप डेमोस दे रहे हो उसके थ्रू पढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कहाँ होती है इंडक्टिव मेथड में होती है इंडक्टिव मेथड क्या होता है ये रीजनिंग होती है जो इन्वॉल्व करती है आपकी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सच एज हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व पैटर्न टू मेक जर्नल कंक्लूजन्स ठीक है जैसे कि आपने देखा है कि बच्चे से ही पूछना है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है और उसके बाद जिसे आप बहुत सारे बच्चों का एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो और उन ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेक्ट करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उनमें से एक जनरल जो है कंक्लूजन uh, निकाल सकते हो इसमें क्या होगा बच्चे सारे पार्टिसिपेट करेंगे ओके सो सी विल बी द करेक्ट आंसर आप इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड पढ़ोगे आगे भी जाके कि क्या होता है ये Okay, then last question is If a parent approached the teacher to do some favor to his or her award in the examination, the teacher should. अगर पेरेंट्स आपके पास आते हैं लास्ट डे भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था अगर पेरेंट्स आपके साथ आपके पास आते हैं कि प्लीज़ आपका सपोज आपके जो किसी फ्रेंड का बच्चा है या कुछ भी आपके पास पेरेंट्स आते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चे को हेल्प कर दीजिए या इसने पढ़ा नहीं था ड्यू टू दिस रीज़न ड्यू टू दैट रीज़न कई बार होता है ये चीज़ प्रैक्टिकली भी ये चीज़ होती है तो आप क्या करोगे ट्राई टू हेल्प हिम आप उस बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करोगे आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दोज टर्म्स आप उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट बोलोगे डोंट टॉक मी इन दिस टर्म्स आप रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड फॉर्मली हिम रूडली टू गो अवे या तो आप गुस्सा करके बोलेंगे नहीं जी मैं ऐसा नहीं कर सकता गो अवे या आप बहुत प्यार से बोलेंगे कि मैम या सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल और ये जो आप करवा रहे हैं ये गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चा फेल हो जाता है नो प्रॉब्लम क्योंकि मार्क्स आर नॉट दी क्राइटेरिया आप उनको समझा सकते हो कि मार्क्स से ही ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे का जो है फ्यूचर डिसाइड किया जा सकता है नो no प्रॉब्लम अगर उसने नहीं पढ़ा है कुछ भी जो भी रीजन्स थे आपकी वजह से जिस वजह से उसने नहीं पढ़ाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो बेस्ट <coughs> आंसर क्या होगा सी विल बी कि आप बहुत लाइटली उस चीज़ को uh, मतलब सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे एंड पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश करें क्योंकि पेरेंट्स जो है आपने देखा है मैक्सिमम बहुत प्रेशराइज़ uh, करते हैं स्टूडेंट्स को कि पढ़ो 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 एंड इवन टीचर्स इवन डू दिस थिंग बट आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आपकी क्लास में सब फास्ट लर्नर्स नहीं होंगे स्लो लर्नर्स नहीं होंगे वैसे तो हम आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स uh, के लिए बट स्टिल ये चीज़ नहीं होगी एंड uh, क्योंकि हर बच्चे का एक यूनिक स्टाइल होता है पढ़ने का मे बी हमें वो चीज़ नहीं समझ आ रही है कि बच्चा किस वे में पढ़ना चाहता है ठीक है एंड हम भी प्रेशराइज़ करते हैं एंड पेरेंट्स भी प्रेशराइज़ करते हैं मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है एज अ टीचर आप कभी भी बच्चे को मार्क्स के उस पर जज नहीं करोगे ठीक है मार्क्स ऑब्वियसली सबके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नहीं आ सकते हैं आपको क्या करना है बच्चे की मेंटल लेवल को देखना है कि आपको क्या लगता है बच्चा कितना कर सकता था और उसने कितना नहीं किया है एंड हाँ आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू उसको अच्छी गाइडेंस के थ्रू एंड थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस से कम रख के हम बोल सकते हैं उसका उसकी प्रॉब्लम समझने के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चे को गाइड कर सकते हैं आपने देखा होगा कई बार आप अगर स्कूल्स में जाते हैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं आपने देखा होगा बच्चों को ऊपर ध्यान देने वाला घर पर कोई नहीं होता है तो उस वजह से बच्चे क्या करते हैं लैक कर जाते हैं और क्लासमेट्स से क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते कई बार या कई बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो वो सिर्फ बच्चे पे ध्यान नहीं देते नहीं है वो सिर्फ़ चलो ठीक है फ्री है तो भेज देते हैं या कम फीस है वो भेज देते हैं तो इस सारी ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी जब भी आप क्लासरूम में एज अ टीचर जाते हैं वैसे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स आगे भी देती रहूँगी अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है एंड आपके जितने भी नोन हैं अगर बी एड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच